सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग 31 मार्च के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रबी क्रॉप को काटने का वक्त आ गया है और एग्रीकल्चर काफी बड़ा इशू बन गया है, उसको लॉकडाउन से एग्जेंट भी करा गया है, तो इसलिए मुझे लगता है क्रॉप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रबी क्रॉप क्या होती है? देयर विंटर क्रॉप्स। इनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सो करते हैं और अभी अप्रैल के आसपास से इनकी जो हार्वेस्टिंग या कटाई वो चालू हो जाएगी। तो हमें बताना है कौन सी क्रॉप रबी नहीं है। तो देख लीजिए, वीट रबी क्रॉप होती है, मस्टर्ड भी रबी है और ग्राम चना भी रबी है। आंसर है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। खरीफ मतलब मानसून क्रॉप, जिसको हम लोग जुलाई के आसपास सो करते हैं और लगभग सेप्टेंबर के आसपास उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर देख लीजिए, ग्राउंडनट इज द आंसर। इट्स अ खरीफ क्रॉप, नॉट अ रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, वाटरमेलन किस टाइप की क्रॉप है? खरीफ, रबी या जायद, या नन ऑफ दीज। आंसर है जायद क्रॉप्स। देखिए, रबी और खरीफ के बीच में एक शॉर्ट समर ग्रोइंग सीजन होता है जिसमें हम जायद क्रॉप ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, कुकम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब जायद क्रॉप होती है। वाटरमेलन भी उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ओस, अमान एंड बोरो किस क्रॉप की वैरायटीज हैं? इसका आंसर है राइस। कुछ एरियाज, फॉर एग्जाम्पल हमारा असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहां पे एक साल में राइस की तीन क्रॉप्स करी जाती हैं और उनके नाम होते हैं ओस, अमान, बोरो। तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये राइस वैरायटीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि हमारा जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसे कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स गार्ड करती है? इसका आंसर है आईटीबीपी, आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक। ये 1962 में फोर्स बनी थी और इंडो चाइना बॉर्डर अराउंड 3488 किलोमीटर का है, मतलब अराउंड 3500 किलोमीटर के आसपास का, जिसको बॉर्डर करती है आईटीबीपी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए, आप जानते हैं कोविड-19 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई है आईटीबीपी ने, चावला, जिसको चावला कैंप बोलते हैं। कई लोग जो बाहर से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईरान वगैरह से आए थे, उनको कुछ टाइम के लिए चावला कैंप पे रखते हैं। ये चावला कैंप कहां पर है? इसका आंसर है दिल्ली, जो दिल्ली का नजफगढ़ एरिया है उसके आसपास है चावला कैंप, आईटीबीपी ने बनाया कैंप वहां पे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये F1 रेसिंग सर्किट है, ये कहां लोकेटेड है? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा, ठीक। तो यूपी गवर्नमेंट माइग्रेंट वर्कर्स की जो मूवमेंट की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए इस सर्किट में एक आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर बनाने वाली है, इसका यहां पर उसके आसपास पूरा बनाने वाली है, तो उसका यूज वहां पे करा जाएगा। सेवन क्वेश्चन, जायर बोल्सोनारो इज द प्रेसिडेंट ऑफ, अब जानते हैं आपकी इंटरनेशनली हर कंट्री कोविड-19 से लड़ने के लिए काफी स्टेप्स ले रही है, इसलिए इंटरनेशनल लीडर्स के नाम पेपर में काफी आते हैं, तो आज हम इनका नाम लाए हैं। तो बताइए, बोल्सोनारो कहां के प्रेसिडेंट है? द आंसर इज ब्राजील, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, मैनोलिस ग्लेजोस किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? इसका आंसर है ग्रीस। ये बहुत ही फेमस ग्रीक लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन है, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ही इज एक्सपायर्ड। एक्चुअली 1941 में जो नाजी जर्मनी की फोर्सेस थी, उन्होंने जब ग्रीस को ऑक्यूपाई किया था, तब उस समय पर ग्लेजोस और उनके एक फ्रेंड थे, ये लगभग 18-19 साल के थे उस टाइम पे, वो जो एक एक्रोपोलिस स्ट्रक्चर है एथेंस ग्रीस में, उसके ऊपर चढ़े थे और उन्होंने नाजी झंडा हटा के ग्रीस का झंडा लगाया था। तो जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट था नाजीज के अगेंस्ट, उसमें ग्लेजोस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ग्रीस के हैं ये। नाइन्थ क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? ठीक, ये जो गैलरी है मॉडर्न आर्ट्स की, इसने 66 ईयर्स पूरे कर लिए हैं और एक वर्चुअल टूर रखा गया है जिसको आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहां के जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह है उसके लिए। ये कहां लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सपो 2020 इज अ वेरी फेमस वर्ल्ड एक्सपो, इसे कौन सी सिटी होस्ट करती है? इसका आंसर है दुबई, ठीक। ये अराउंड अक्टूबर में चालू होता है और लगभग 6 महीने तक चलता है, बट अभी फिर बात करी जा रही है कि इसको एक साल तक डिले करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए, उसकी बातें चल रही हैं अभी, तो लगभग 6 महीने का ये होता है, ईयर एंड के आसपास लगता है दुबई में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।